नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के सरस्वती शुगर मिल की गन्ना यार्ड में किसानों की ओर से गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां पर भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों की ओर से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरने को भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप और अन्य सामाजिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है। गुस्साए किसानों का कहना है कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के उप प्रधान संदीप कुमार ने बताया कि सरकार ने अब तक गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल नहीं किया है, जिसके चलते अब हरियाणा के सभी शुगर मिलों पर किसानों की ओर से सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने शुरू हो गए हैं और ये आंदोलन आने वाले समय में और अधिक तेज होगा, क्योंकि सरकार अपनी हठधर्मिता अपनाए हुए है जिसका खामियाजा हरियाणा के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जल्दी गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किसानों से करे और अब यह धरना समाप्त हो जाएगा। हम 20 तारीख से भारतीय किसान यूनियन के साथ खड़े हैं और आगे भी हमारे शीर्ष नेताओं के जो भी निर्देश होंगे उसके मुताबिक हम किसानों के हितों की आवाज़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसानों की ओर से अब यही पर रहकर सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि पहले भी किसानों ने सरकार के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी है और किसान किसी भी तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए वचनबद्ध है। जगाधरी से हमारी संवाददाता गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट। ये मिल पर तालाबंदी तब तक रहेगी जब तक खट्टर के मुंह पे तालाबंदी रहेगी। जब वो अपना मुंह खोल देगा यहाँ से भी तालाबंदी खुल जाएगी। तो सर, आज भारतीय किसान यूनियन के किसानों को, अपना सदस्य को आज आपकी यूनियन की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है, किस तरह से समर्थन करेंगे? हमारा समर्थन 20 जनवरी को मिल बंद करने का आह्वान हुआ था, हमने तब समर्थन दे दिया था कि हमारा संगठन इसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगा। और हमने कल भी इनके साथ मिलकर, हम कल से यहीं पर आए, हमने कल भी इनके साथ मिलकर मिल में तालाबंदी की थी। तो अब क्या मिल बंद हो चुका है पूरी तरह से? अब मिल पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब ये जो संघर्ष छिड़ा ये कब तक चलेगा और आखिर इसका? ये तब तक चलेगा जब तक सरकार की हम नाक नहीं रगड़वा देते। तो और अन्य कौन कौन से संगठन आपके साथ आए? इसमें किसान संघ है, भारतीय किसान यूनियन टिकायत है, भारतीय किसान यूनियन चुड़ुनी है। सर, जहाँ तक किसानों के सरस्वती शुगर मिल की बात है, ये धरना सरस्वती शुगर मिल का नहीं है, ये सारे हरियाणा में ही इस तरह के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। किसानों की गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग पिछले कई दिनों से चल रही थी, तो उसको लेके किसान धरने पे बैठे हैं। और जो गन्ने की सप्लाई है वो जो किसानों ने पोल दी थी उसके हिसाब से 20 तारीख से गन्ने की सप्लाई बंद हो गई थी, और जैसे ही गन्ना जो पाइपलाइन में गन्ना था वो खत्म होने के बाद रात को 11 बजे हमारी शुगर मिल बंद हो गई थी। मोर और लेस इस तरह की स्थिति सारे ही स्टेट में रही है। रात को सभी शुगर मिलें हरियाणा की बंद हो गई थी। और तो सर, मिल जो बंद हुई है सर, उसके कारण अभी मिल को कितना नुकसान हो रहा है सर? जैसे मिल का नुकसान तो बहुत भारी होता है, क्योंकि ना जो शुगर बनाने का प्रोसेस है कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक साइड से गन्ना क्रश होता है, दूसरी साइड से चीनी निकलती है। क्योंकि अब गन्ना क्रश नहीं हो रहा है तो पाइपलाइन में और वेसल्स में लगभग 1.25 लाख क्विंटल गन्ने का जूस हमारा बंद रहता है, और 1.25 लाख क्विंटल गन्ने की कीमत अगर आप मौजूदा भाव पे भी मतलब लगाएं तो लगभग 4.5 करोड़ रुपये बनती है। उसका जो हमारी असेसमेंट है, लगभग 60% जूस अभी वेसल्स में है जिसको हम प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। और अगर ये इसी तरह से मतलब चलता रहा तो जो गन्ने का जूस है वो बहुत जल्दी ही उसमें डिटीरियोरेशन स्टार्ट होती है, तो ये जूस सारा सड़ जाएगा। तो लगभग मतलब ये मान के चलो आप 2-2.5 करोड़ का तो जूस हमारा मतलब ख़राब होगा ही होगा। तो रोज़ाना का सर कितना नुकसान हो रहा है? अभी रोज़ाना का अभी देखिए, क्योंकि ना ये प्रोसेस इंडस्ट्री है, अब जो इसमें उत्पादन है उत्पादन तो बंद हो चुका है, बाकी जितने भी ओवर हेड के खर्चे हैं, स्टाफ सैलरी है, पावर है, वेजिज हैं, दो दूसरी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे खर्चे हैं। मोटा मोटा मैं अगर रफ सा अंदाज़ा बताऊं तो हमारा लगभग 1.25 करोड़ रुपए डेली का खर्चा, क्योंकि अभी हमारे जो जूस पड़ा है उसको सिस्टम को गर्म रखने के लिए, अब हमारी अपनी पावर जनरेशन तो बंद हो गई है, अब जैसे हम बाहर की बिजली फूक रहे हैं, स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, लगभग अंदाज़ा यही है 1.25 करोड़ का डेली का जो है ये खर्चा मिल पर पड़ेगा। तो अभी सर जिस हिसाब से सर जो मैन पावर भी है और ज़्यादा खर्चे हैं,
तो क्या इसके लिए भी कोई आपने ऊपर अधिकारियों से या कुछ मिल प्रबंधन से? नहीं, अभी ना, क्योंकि ये इस तरह की मतलब जो एक प्रक्रिया है, और क्योंकि इंडस्ट्री हम चला रहे हैं, ऊपर अधिकारियों के संज्ञान में, तो ये सभी के संज्ञान में है कि अगर मान लो कोई चलते काम में कोई बाधा आती है, उसके नुकसान तो होते ही हैं, और उसकी कुछ जो कोस्ट है वो कोस्ट तो करता ही है कोई भी ऐसी स्थिति आती है। तो सर, मिल को दोबारा चालू कराने के लिए कितना? हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।